आपको जुले। आज मेरे साथ कोबरांग युर्गुन डुकुम के सरपंच श्री सोनम अंगचुक जी हैं, नंबरदार श्री कुंचुक सोबगिस जी हैं और हमारे सीनियर लीडर जी श्री अंगचुक जी हैं और पांच मेंबर हैं चिल्लिस जी हैं। तो आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि हाल ही में जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें कई जो नोमेड्स की हमारे पोबरांग युर्गुन डुकुम की जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है उसको मैक्सिमम जो है नो मैन्स लैंड करार दिया, बफर एरिया करार दिया। न सिर्फ मैं ये कुकरांग वैली और हॉट स्प्रिंग पीपी 17 की बात करूंगा, आज तक जितनी भी जो डिसएंगेजमेंट हुआ फ्रॉम पीपी 15 से लेके चुशुल के मुकपरी तक हमारे नोमेड्स की जितनी भी लैंड जो है वो बफर एरिया बना, जिसकी वजह से विंटर की ग्रेजिंग एरिया हो समर की ग्रेजिंग एरिया हो वो जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो इसी विषय को लेके आज हम सब यहाँ आए हैं और लोग जो हैं इतना ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जाके बोलना है। तो मैंने बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के थ्रू या मीडिया के ज़रिए ये बात को जो है आगे रखूँगा। तो जैसे चुशुल की बात करते हैं तो मैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगा क्योंकि 2020 की जो एपिसोड हुआ वो पूरा जो है चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हुआ, चाहे फिंगर एरिया हो चाहे ब्लैक टॉप ग्रूम हिल रिजंगला रिंचनला मुकपारी हर जगह और इसी तरह कल के जो तीन फ्रिक्शन पॉइंट है वो सब में जो सब एरिया जो है चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करते हैं। लेकिन कल की जो डिसएंगेजमेंट में एक हैरान करने की एक हमें जो विषय जो है उसमें आया क्योंकि फ्रिक्शन पॉइंट में पीपी 16 कहीं नहीं था, जो डिस्टर्स ग्राउंड बोलते हैं पहले वहाँ पे डोपिंग हुआ करते हैं वो एरिया जो है उस फ्रिक्शन पॉइंट पे नहीं था, लेकिन हमारे फोर्स जो है उस फ्रिक्शन पॉइंट से भी नीचे आया। उसके बारे में अभी हमारे सरपंच जी नंबरदार जी और जितने भी लोग आए हैं वो डिटेल से बताएंगे। लेकिन आज तक जितने भी ये इशू हुआ हम सब ने मिल के पहले भी एक बार हमने मैनपंगोंग ए और मैनपंगोंग बी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमें हमारे तरफ से जितनी भी जो इश्यूज हैं हमारे तरफ से जितनी भी जो लोकल्स को जो इशू फेस करने पड़ रहा है उस सब में हमने रखा, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा उस पर हमें रिस्पॉन्ड जो है ऊपर की तरफ से भी हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से अभी भी देख रहे हैं कि चुशुल में विंटर के मैक्सिमम ग्रेजिंग एरिया जो है रिड्यूस हो चुका है। हाल ही में हार्ट इवन जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया जहाँ है वहाँ पे हम नोमेड्स हार्ट दे रहे हैं उस हार्ट के लिए भी हमें पीछे हटने के लिए बोला, तो हमने ठाना कि उस एरिया में ही लगाना है जहाँ पे पहले हैं। तो उस पर हम अपने स्टैंड पूरा क्लियर रखा तब जाके वहाँ पे हार्ड लगा पाया। तो वो जब एक बार हार्ड लग जाता है वो जो है हमारे लिए एक लैंडमार्क वो एरिया जो है बन जाता है। तो हम अपनी तरफ से जितने हो सके जितने भी ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है उस सब को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी और सिविलियंस के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से ये जो है देखने को मिल रहा है। और हमारे जितने भी बशिंदे हैं वो पूरा जो है लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है, इसी पे ही हमारे घर चलता है, यही हमारे रोजी रोटी है। तो उसको भारत सरकार ध्यान देना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि हमारे एरिया ही क्यों बफर एरिया किया जाता है, बाकी जो कुकरंग एरिया हो जो फिंगर एरिया हो उसके बारे में बाकी हमारे लीडर्स जो हैं ब्रीफिंग करेंगे। जी नमस्ते, मैं कुंचोक सोबगिस पोबरांग के नंबरदार है जो कि ट्रेडिशनल हेड ऑफ द विलेज होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल के जो डिसएंगेजमेंट की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ों पे अफेक्ट हुआ है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमने ये सोचा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ये चांग छेनमो एरिया है वो एक वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट है, हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुकरांग नाला में जो रेयर स्पीशीज है जीरू है आर्गली है और डोंग जो वाइल्ड याक कहते हैं वो है, हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होगा, हम ये चाहते थे कि वहाँ पर हमारे पास्चर लैंड ज़्यादा ग्रो होगा, उसमें हमारे लोगों को पश्मीना गोट्स के
पालने के बढ़ावा देगा, इस पर लोग ग्रेजिंग करेगा और उससे जो दुनिया भर में फेमस जो पश्मीना है उसकी ज़्यादा बढ़ावा होगा, इसकी ज़्यादा उपजाऊ होगा और लोग उससे बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और रिसेंटली जो डिसएंगेजमेंट की बात चली तो हमने सुना कि अब आर्मी ही हट गया है, पहले हमें जाने नहीं देते थे, अब आर्मी खुद भी पीछे हट गए हैं। उसका मतलब है हमने पूरी तौर पर ये ज़मीन एक नो मैन लैंड्स के तौर पर खो दी गई है। तो चाइना में हाँ बेस्ट फाइन पश्मीने का कंपटीटर लद्दाख है। अब वो कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा जब हमारे पास ग्रेजिंग लैंड नहीं होगा, तो हम उस पर पश्मीने के बढ़ावा करना या उपजाऊ ज़्यादा करने की कोई बात ही नहीं होता है। हमने ये सोचा था कि लोग वहाँ रहे, हमने बहुत कोशिश की है कि पिछले कई सालों से हमने कहा है कि बूढ़े बुजुर्गों का गांव ना रहे, यूथ भी आके उसमें रहे, गांव खुशहाल बने और गांव बढ़ते जाए, गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो वो हमने उम्मीद किया था। लेकिन एक सस्टेनेबल जो लाइवलीहुड होगा तभी वो लोग वहाँ रहेंगे। ज़रूरी ये है कि लोगों को क्या इकोनॉमी है, लोगों की इकोनॉमी पे डिपेंड किस तरीके से रहना है। ये ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल हम मानते हैं, ना कि जो अभी के जो टूरिज्म और बाकी जो छोटे मोटे एक्टिविटीज हैं वो सारे फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन जो सस्टेनेबल जो जहाँ पर हम रहते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन वो है हमारे लाइफ स्टॉक्स। अब लाइफ स्टॉक्स के लिए ग्रेजिंग बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। पश्मीना गोट्स दिन के 12 किलोमीटर के रेडियस में जब वो चराते हैं तब जाके उसका न्यूट्रिशन पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि घर में बंद करके उसको स्टॉल फीडिंग किया जाए, स्टॉल फीडिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फैमिली को खाली पश्मीना गोट्स पर सस्टेन होने के लिए हमें कम से कम 300 से ज़्यादा भेड़ बकरियां पलना पड़ता है। ऐसे में स्टॉल फीडिंग करना, हम ये दे देंगे, हम इस पर सप्लीमेंट फोडर देंगे, वो लगभग यूजफुल नहीं है। हमें चाहिए ग्रेजिंग एरिया जो कि पुराने ज़माने से हमारे पास थे, अब वो हमसे छीन रहा है, वो हमसे हमारे हाथ से निकल रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में पश्मीना इंडिया के जो प्राइड करके हमने कोशिश की थी कि पश्मीने के ग्रो होगा, इंडिया में भी एक ऐसा फाइबर है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्लोरिश करेंगे, वो उम्मीद ख़त्म हो गया है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्लेम करते हैं कि कुकरंग से लेके पेंगोंग से लेके हर एरिया में 4000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा वाइल्ड लाइफ का सेंचुरी है। ऐसे पेपर्स में सुनाया जाता है, ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो 4000 छोड़ के हमारे रहने के 600 जो स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है उसमें भी वाइल्ड लाइफ आते रहते हैं। हमारे जो पास्चर लैंड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि आर्मी की ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से हर जगह पर वाइल्ड लाइफ का जगह जो है ना बहुत कम होते जा रहा है। आप अगर इस तरीके से मूवमेंट बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से लोगों को काम करते जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे तो हमारे गांव में रहने सहने के जगह भी मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग फायरवुड कलेक्शन के लिए जाते हैं, फोपरांग से नागलुंगपा तक जाते हैं और फोपरांग से सोकसालू तक या कैम तक जाते हैं, उन सारे एरियाज में आजकल रिस्ट्रिक्शन है। ये रोड के ऊपर चरागाह नहीं करना है, रोड के ऊपर भेड़ बकरियां नहीं छोड़ना है, इतने रिस्ट्रिक्टेड महदूद जगह पे चरागाह चराना पड़ता है कि लोग एक दो महीने के बजाय एक महीना ही चराई करके वापस आ जाते हैं। तब फिर विंटर पास्चर लैंड पे फोर्स होता है, विंटर पास्चर लैंड ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है समर ऑटम में ही, तो विंटर में फिर कहाँ जाएंगे? अब विंटर का पास्चर ऑटम में खत्म हो जाता तो फिर विंटर में कहाँ लेके जाएंगे? ये सारे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने की जरूरत है। जब भी आर्मी का कोई डिसीजन होता है, बॉर्डर का कोई डिसीजन होता है, हमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं करते। एक्चुअल देखा जाए तो कल बहुत सारे एजेंसीज ने मुझसे मांगा कि आपके रेवेन्यू का कोई पेपर होगा, पेपर दे दो। पेपर तो ना इंडिया के पास है तो ना चाइना के पास है, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए तो रो रहा है। एविडेंस है, वो है तो जहां पर लोकल्स रह रहे थे जनरेशन टू जनरेशन, वो एविडेंस है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग अभी भी जिंदा है जिसने, मैंने यहाँ पर मेरा ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ करके दिखाते हैं PP16 में, PP17 में, मेरे यहाँ पर इतने सारे लाइफ स्टॉक्स होते थे, मैं यहाँ याक रखते थे, यहाँ गोट्स रखते थे, यहाँ शीप रखते थे, वो एविडेंस है।
बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जब भी ऐसे कोई इंटरनेशनल इश्यूज हो उसमें चाइना की तरफ जो तिब्बती है और इंडिया के जो साइड में हमारे जो नॉमेट्स है, लद्दाखी नॉमेट्स है, इंडियन नॉमेट्स है, उनको बुला के भी एक बार कंसल्ट तो कर ले कि है किसका ये जगह। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने मतलब से चलते रहते हैं, आर्मी चाहते हैं कि आप उसका 2 साल के टेन्योर कैसे निकाला जाए, उस तरफ से चाइना फोर्सफुली क्लेम करते जा रहे हैं। ऐसे में लॉसेस सबसे ज्यादा भरपाई हमको ही करना पड़ता है नॉमेट्स को। तो ये हमारी उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग रोज रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ पश्मीने के ग्रोथ हो, एनिमल हमारे एग्रीकल्चर अच्छा ग्रोथ हो। ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके गांव में गवर्नमेंट की एजेंसीज भी आते हैं। अब एक तरफ से इस तरीके के अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, दूसरी जगह से जमीन ही छूट रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। गवर्नमेंट हम देश इंडिया देश के सारे गवर्नमेंट के जितने अंग है उनमें एक तालमेल तो हो कि पैसा कहाँ लगाना है और लगाने के लिए जगह है कि नहीं है। तो वो तालमेल की बहुत बड़ी कमी है। आर्मी अलग से चल रही होते हैं, लोग अलग से चल रहे होते हैं, सरकार कुछ अलग से बोल रहे होते हैं। ऐसे जो सिचुएशन जिसमें कोई तालमेल नहीं होगा, इसमें इंडिया का ही लॉस रहेगा और किसी का लॉस नहीं जाएगा। और उसका डायरेक्ट इफेक्ट सबसे पहले हमारे गाँव वाले नॉमेट्स को लगेगा। इसके बाद सारे सप्लाई चेन जो पश्मीने का है, जहां तक ये पश्मीने का बेनिफिशरीज है, वो सारे सप्लाई चेन को अफेक्ट करेगा। एंड फाइनली इंडिया के जो एक सुप्रीम फाइबर है, क्वीन ऑफ फाइबर बोलते हैं पश्मीना, उसको धक्का लगेगा। और ये कम्पीट हम इंटरनेशनली करते हैं, उसके माइक्रोन देखिए, बिलो 14 माइक्रोन जो हम क्लेम करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्वांटिटी ही मुट्ठी भर के होंगे तो उसका क्या कम्पीट करेंगे। अब उसको ग्रो करने के लिए हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, करोड़ों में पैसे आते हैं। अब पैसा लगाएगा, बॉर्डर का जो चरागाह है हर तरफ से श्रिंक होते जा रहे, तो ऐसे में ये बहुत ही एक मुश्किल है। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे को कोऑर्डिनेशन में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके क्या किया जाए, एक प्लान बनाए। हमारे गाँव में 113 हाउस होल्ड है जिसमें 615 लोग हैं, और हमारे जो एरिया जहां तक हम सस्टेन कर रहे हैं वो 600 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ग्रेजिंग होता है, उसमें वो रहता है। तो अगर ये हमारे जो लाइवलीहुड पे अफेक्ट पड़ता है तो हमें एक सब्स्टिट्यूट जगह दिया जाए 600 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें हम आपकी तरह आपके हिसाब से हम सेटल हो जाएंगे, आर्मी के हिसाब से फिर सेटल हो जाएंगे, हम वहां बैठेंगे। तो अदरवाइज ये बंजार जमीन है करके छोड़ते जा रहे हैं, बंजार को क्रॉस करके तो हरियाली को भी कब्जा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बंजार छोड़ते जाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, बंजार की भी वैल्यू है। उसमें जो वाइल्ड लाइफ सस्टेन करता है, उसमें जो पश्मीना का गोट्स जो सस्टेन करता है, उस वैल्यू से भी एक बार नजर लगे। हर चीज हरियाली पे महदूद नहीं रहता है, बंजार के भी वैल्यू होते हैं। भगवान ने ऐसे जमीन बनाए जहां कहीं ना कहीं कोई उपजाऊ, कोई बेनिफिट, कोई अच्छा फर्टिलिटी वो हर किसी जमीन पे दी हुई है। तो नजरअंदाज ना करें इस चीजों को, और बॉर्डर के लोगों के जो इश्यूज है उसको जरा सीरियसली ले लें। ये मेरी निवेदन है, ये मेरी आपसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि एक मजबूरी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हमें कोई खुशी नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने अपना बातें रख लिया, ये एक मजबूरी है। इस मजबूरी को समझ के कुछ ना कुछ सेटलमेंट का है, और फ्यूचर में हमें आर्मी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। हमें वहाँ जिंदा रहने के लिए फायरवुड कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, मैन्योर लाना पड़ता है। ऐसा कोई फर्टाइल जमीन नहीं है जिसमें मैन्योर ना डाले कुछ उग जाए। हमारे जो छोटे छोटे हमारे खेत हैं जो एग्रो पेस्टोरियल एरियाज में, हमें ये रखना जरूरी होता है क्योंकि बार्ले उगते हैं, पल्सेस उगते हैं, वो सेल्फ सस्टेंस के लिए है। उसको उगाने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ मैन्योर चाहिए होता है, जो कि मैन्योर हमारे भेड़ बकरियों से, माउंटेन्स के हर एरिया से कलेक्शन करके वो डाल के तो फिर हम कुछ उगाते हैं। तो ऐसे मैन्योर कलेक्शन के लिए, फायरवुड कलेक्शन के लिए, ग्रेजिंग के लिए आर्मी का हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, मिनिमम हो। हम आईडी प्रूफ दे के लोकल रेजिडेंट्स को आसानी से छोड़ दें, और फ्यूचर में ऐसे अगर कोई डिसएंगेजमेंट जैसी और ऐसे कोई मीटिंग हो, जरूर हमें इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, यही हमारी गुजारिश है। थैंक यू सर।
मेरा नाम श्रीयांशु, मैं एक्स काउंसलर चुचुल कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ। तो सबसे पहले मैं ये मन बंगू बी खुबरंग के जो बॉर्डर हैं, चार जगह से हमारा टच होते हैं। सबसे पहले कुगरंग वैली, नंबर दो क्यूला, नंबर तीन अनिला और नंबर चार जो अभी फिंगर फोर। तो कुगरंग वैली के बाद खुबरंग से तकरीबन 70 किलोमीटर जाने के बाद एक हॉट स्प्रिंग जगह आता है, वहाँ से 40 किलोमीटर जो कि 62 में, वहाँ पे हमारा जब 62 में लड़ाई हुआ उस वक्त खुबरंग तक ही एक महेंद्रा जीप 4x4 पहुँचते थे। उसके अलावा जो भी खोज आते हैं तो यहाँ ले से ही घोड़े पे आते थे, खुबरंग तक छोड़ते थे, वहाँ से हमने सप्लाई करके टीसालू हॉट स्प्रिंग, उसके बाद कुगरंग वैली, जो अभी आप कुगरंग वैली से जाके अल्फा थ्री से नीचे उतार के एक गलवन है, वहाँ तक 62 में हमारा गांव वाले याक लेके घोड़ा लेके वहाँ तक हम वो रशियन सप्लाई करते थे। जहाँ भी मैदान नजर आए वहाँ पे ड्रॉपिंग कर देते थे। तो उसके बाद हम जो बेचारा 24 घंटे दुश्मन के साथ अंग से अंग मिला के जो टिकटों में बैठ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के लिए जो ड्यूटी देते हैं, उनका राशन पानी क्लोथिंग सब कुछ हम खुबरंग वाले ही उनको सर्व करते थे। लेकिन हमारे पास असला अमुनिशन ही, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन जो वहाँ पे फौजी है उनका राशन पानी सब कुछ हम ही वो करके, तो बहुत काफ़ी मतलब जगह जो है वहाँ पर वो ये है, उन्होंने चीन वालों ने कब्जा कर दिया है। उसके बाद जो अभी 2014 में जो झड़प हुआ, जो मतलब लड़ाई जैसे थोड़ा बहुत हुआ है, वो अल्फा थ्री के टॉप पे जो है वहाँ पे एक रोलिंग ट्रांच खोज दिया गया है। तो उससे पिछले साइड जो है चीन वाले और इस साइड हमारे हिंदुस्तान का। तो अभी जो रिसेंटली जो हुआ है, तो एक डिजर्ट डिजर बोरन कहते हैं, वहाँ तक हमारा फौज है, अभी सुनने में आया वहाँ से भी विड्रॉल हो गया। तो हमें बड़ा अफसोस होते हैं कि वो जो है हमारा पश्चर लैंड है, वो जो है हमारा लैंड है। तो नंबर दो जो है एक ये क्यूला मर्सिमिकला, आप लोगों को पता है सेकंड हाईएस्ट है, उसके जस्ट बगल में 7-8 किलोमीटर जाने के बाद हमारा बैंकर है, हमारा रशियन है, पानी वहाँ पे फौजी वहाँ तैनात रहते थे। अब वहाँ से भी हट के अब रिमजी नाला का जो एग्जिस्टिंग रोड है, उस रोड से ऊपर जो है बोलते हैं कोई बैल बकरे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएंगे। नंबर तीन जो है एक अनिला, चर्चे से जाता है अनिला ट्रोप तक जो है हमारा हिंदुस्तान का जगह है, हमारा पश्चर लैंड है, हम लोग वहाँ जाया करते थे। उसके बाद अब वो भी वहाँ से भी हमें कम से कम 12-15 किलोमीटर पीछे, वहाँ से आगे हमें जानी नहीं थी। नंबर तीन जो है अभी फिंगर फोर, 62 की लड़ाई के बाद जो है सर्जा 2 तक हमारा हिंदुस्तान का LOC है। अब वहाँ से छोड़ के जो है अभी फिंगर फोर से भी 7-8 किलोमीटर पीछे उन्होंने वो कर दिया है। तो हमें बड़ा अफसोस है, ये आर्मी वाले जो है चुपचाप हमारे से बिना पूछे या कोई लीडर से बिना पूछे जगह छोड़ देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं अगर आर्मी ना हो तो हमारा भेड़ बकरियाँ वहाँ पर जाए, मतलब कंटिन्यू जाए, तो वही काफ़ी है। वो वहाँ पे हमें अगर हमारे ऊपर छोड़ देता तो सर्जा 2 से हमने संभल के रखा हुआ था। थोड़ा कर रहे हैं हम अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं ना, अगर LOC पे वो खोदे तब तो वो अलग से बात है। तो हम खुबरंग वालों का कंट्रीब्यूशन जो है नॉट सिर्फ ओनली खुबरंग गांव के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए जो 62 में जो हमने बलिदान दिया वो हम जानते हैं। वहाँ पे चूल्हा पे पूरा बैंकर दबा के पूरा फौजी वहाँ पे मर दिया गया है। तो एक याक के ऊपर दो लाशें ला के खुबरंग में लाया, तो वहाँ आज की तरह आज यहाँ पे कोई फौजी आदमी डेथ हो जाता है, अगर वो कलकत्ता बम्बई का हो तो दूसरे दिन उसका डेड बॉडी वहाँ पहुँच जाता है। तो उस वक़्त यहाँ ले तक लेने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं था, तो गाँव वालों को बुलाना, नंबरदार को भाई लकड़ी के बंदोबस्त करो, अब उनको पता है वहाँ पे कोई दरक नहीं कुछ नहीं है। फिर गाँव वाले नंबरदार गाँव वालों को बुला के भूस जो जिसको जड़ी होते हैं वो हर एक गाँव घर वाले से एक एक गिट्ठा इकट्ठे करके वहाँ पे हमने अंतिम संस्कार किया है। इतना बलिदान देने आज बोलते हैं भाई ये सेंचुरी के अंडर है, वर्ल्ड लेवल का सेंचुरी के अंडर है। ये भी कहना चाहूँगा जी, नरेंद्र मोदी जी और हमारा MP साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
हमें तो ये लगता है चंगथांग वाला जो लद्दाख और ये इंडिया के हिस्से में नहीं आते हैं जैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे वहाँ कम्युनिकेशन देखिए बिल्कुल ही लो है, हमारे वहाँ पर बैंक नहीं है, सब कुछ हमारे वहाँ पर एमपी साहब अभी हम अपना टर्न आउट ख़त्म होने वाला है, अभी तक एमपी साहब ने वहाँ पर टूट कभी नहीं किया है वहाँ पर, तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एमपी साहब को, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे लिए भी सोचे। एमपी साहब की जबान में ये आता है कि जंखर और नुब्रा के अलावा एमपी साहब की जबान में कभी नहीं आते, जब भी एमपी साहब स्पीच करते हो तो एमपी साहब ये कहते हैं जंखर वाले को मैं ये दूंगा, नुब्रा वाले को मैं ये दूंगा, चंगथांग वाले के लिए एमपी साहब की जबान में आते ही नहीं। यह तो हमें लगता है कि यह लद्दाख और इंडिया के हिस्से में हम ये मान पाऊंगूंग भी और चंगथांग रीजन जो है बिल्कुल नहीं आते लगते, तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे लिए भी थोड़ा कम से कम सोचे, नरेंद्र मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्यों एमपी जी का अभी टर्न आउट खत्म होने हमारे वहाँ टावर अभी तक क्यों नहीं है, हम ये भी पूछना चाहते हैं। या तो हमारा गांव जो है चाइना में देने के चक्कर में है, या तो हम इंडिया के हिस्से में नहीं आते, लद्दाख के हिस्से में नहीं आते लगते, तो चाइना वाला हमें मुझे तो ये लगता है कि चाइना वाला जो है पंगोंग लेक के लिए ज़्यादातर फोकस कर रहा है, अगर पंगोंग लेक जो है चाइना वाला ले जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जितना भी एजेंसी होटल चढ़े सभी के लिए मुश्किलें पैदा होगा, तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अभी जल्द से जल्द हमारे वहाँ टावर लगाए जाए, जल्द से जल्द हमारे लिए जो भी फैसिलिटी बैंक है जो भी वहाँ पर दिया जाए, नहीं तो नेक्स्ट फिर हम अपना और रास्ता अपनाएगा, मेरे अपना कहने पर यही सोच रहा हूँ जी, ज़्यादा मैं ना कहते हुए सबको मैं जुले के चाहूँगा। काउंसलर साहब मेरा एक क्वेश्चन होगा, कल परसों जो गवर्नर साहब आया था किस इशू को आपने उनके सामने रखा, क्या ये इशू भी उसके गवर्नर के संज्ञान पर लाया जाए जो बॉर्डर का जो बफर जोन के इशू? जी बिल्कुल, कल जो एलजी साहब पेंगोंग विजिट किया था उस समय उन्होंने एयरटेल के जो जनरल मैनेजर भी साथ में लेके आए, तो हमने एक ही मुद्दा जो है यही कम्युनिकेशन ही रखा, क्योंकि आज तक हम सब ने खतक लेके जू बोल के मेमोरेंडम दे के रिक्वेस्ट किया, लेकिन आज हम रिक्वेस्ट करने वाले नहीं हैं, आज हम सीधा बोल रहे हैं कि कब दे रहे हैं, कम्युनिकेशन मोबाइल टावर कब लगा रहे हैं, ये हम सीधा सीधा आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कल भी हमने यही बताया कि बॉर्डर की एरिया को अभी देखिए जितनी भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरा बॉर्डर एरिया है, अभी भी एक मोबाइल टावर नहीं लगाया है, 4G मोबाइल टावर नहीं लगा हुआ है, दूसरे साइड पे देखिए 5G मोबाइल टावर पूरे जितने भी उनका बॉर्डर एरिया है चाहे गलवान से लेके वहां तक चुमर तक चाइना साइड के हर जगह 5G लगा हुआ है, फिर ऐसा क्यों ये साइड में हमें अभी देखिए कुछ गांव ऐसा गांव है जहां पे बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं है, कुछ गांव जो है पार्शियली कनेक्टेड है, तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है, न सिर्फ सिविलियंस के जो वहां पे बैठे हुए हैं उनको सफर हो रहा है, साथ ही साथ आर्मी जितने भी डिप्लॉयमेंट वहां पे है कोई 50-60 हज़ार की आर्मी डिप्लॉयमेंट है उनको भी एक एक फोन करने के लिए 40-40, 50-50 किलोमीटर वो आना पड़ता है, तो ये सीरियस इश्यू है, भारत सरकार इस पर ठोस एक्शन लेना चाहिए और हमें डेडलाइन दीजिए कब तक वहां पे मोबाइल टावर आप लगाएंगे और कब तक वहां पे ये ओएफसी फाइबर जो है वहां पे पहुंचाएंगे। हमें बताया गया कि 2019 तक हर पंचायत जो है डिजिटली कनेक्ट करने का एक मुहिम चला, एक मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया था, उसमें भी हमारे दो पंचायत मनपंगुंग ए और मनपंगुंग बी जो है छूट गया है, वो क्यों छूट गया है? तो मैं सवाल करना चाहूंगा और एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तो कुछ थोड़ा सा बोलिए बॉर्डर के लोगों के हित में और लद्दाख के हित में, और मैं ये सवाल करना चाहूंगा हिल काउंसिल को भी सवाल करना चाहूंगा, अगर ये जमीन हिल काउंसिल का है तो ये हिल काउंसिल इस पर क्या स्टैंड लेना है और कैसे इस पर रेजोल्यूशन लेना है, क्योंकि चुशुल से बहुत सारे एरिया जो है बफर एरिया बन गया, फिंगर एरिया से बहुत सारे जमीन जो है बफर एरिया बन गया, कुकरांग एरिया में बहुत सारे एरिया जो है बफर एरिया बन गया, क्या ये जमीन हिल काउंसिल का नहीं है? अगर हिल काउंसिल का है तो इस पर हिल काउंसिल ने आगे क्या एक्शन लेना है, ये हम आज सवाल करना चाहूंगा। आज हम रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट बहुत किया, हर 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 स्टेज पे हर प्लेटफॉर्म पे हमने रिक्वेस्ट किया, क्या चट्टी पड़ा है क्या हम उनसे रिक्वेस्ट करें, क्या हम भारत के वो नहीं है सिटीजन नहीं है, क्या हमें हक नहीं है बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए? भारत सरकार को हमारे बॉर्डर विलेज में क्या बेसिक फैसिलिटीज मोबाइल टावर्स इंस्टॉलेशन करने के लिए क्षमता नहीं है?
बड़े बड़े वहाँ पे भाषण दिया जाता है, लेकिन क्या मोबाइल टावर तक लेके नहीं दे सकते हैं? एक अभी भी वर्किंग सीजन है, मैं यही कहूँगा कि इसी वर्किंग सीजन में हमारे वहाँ पे मोबाइल टावर होना चाहिए, नहीं तो और कुछ हो सकता है, यही कहूँगा।